जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा अनलेस कि टकराव हो गया दोनों के बीच में। क्यों कहा विराट ने कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। He finishes games. He doesn't like leave them for somebody else. दिसंबर 2014 को MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को कह दिया अलविदा, जिसका मतलब था विराट कोहली अब इंडियन टेस्ट टीम के नए कप्तान थे। विराट कोहली जो ऑलरेडी अपने आप को एज अ बैट्समैन प्रूव कर चुके थे, अब पारी थी कप्तानी में अपने आप को प्रूव करने की। कोहली के कप्तानी में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ होम सीरीज में ही नहीं बट अवे सीरीज में भी। उन्हीं के चलते टीम इंडिया में फिटनेस का दौर स्टार्ट हुआ था और सारे क्रिकेटर्स फिटनेस को काफी सीरियसली लेने लगे थे। कोहली अपने ऑन फील्ड अग्रेशन के लिए कई बार क्रिटिसाइज हुए थे बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि टीम इंडिया हर जगह जीतने लगी थी। उनके अंडर टीम इंडिया ने टेस्ट फॉर्मेट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और कई सारी अवे सीरीज भी जीती थी एंड टेस्ट क्रिकेट में फिर से नंबर वन रैंकिंग हासिल की थी। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पे हरा के उनका गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। There was a time when with India traveling you could produce a green top and expect to win. With Virat Kohli side you might still win but you could not expect to win. 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फाइनल तक पहुंचा था पर फाइनल में पाकिस्तान के सामने बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कोहली का खुद का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा था। कोहली सारे फॉर्मेट में नंबर वन ICC रैंकिंग पे थे पर वो टीम इंडिया को एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीता पाए थे। 2013 के बाद नॉकआउट स्टेजेस तक तो भारत पहुंचा है पर उसके आगे एक बार भी नहीं गया। What exactly is happening there? कहीं ना कहीं इसी बात ने उनके फॉर्म को अफेक्ट कर दिया था। 2019 वर्ल्ड कप, टीम इंडिया को लीड करते हुए कोहली ने बैक टू बैक 5 हाफ सेंचुरीज की थी। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में ही हरा दिया था। पर सेमीफाइनल में इंडिया को न्यूजीलैंड के सामने हार का सामना करना पड़ा था। वंस अगेन नो ICC ट्रॉफी। कोहली RCB को भी IPL ट्रॉफी नहीं जीता पाए थे। फिर आया कोविड एंड दुनिया जैसे रुक सी गई। पर किसे पता था जिसके लिए सेंचुरी करना रोज का काम था वो सेंचुरी बनाना ही भूल जाएगा। बायो बबल के फॉर्मेट में क्रिकेट फिर से स्टार्ट हुआ। टीम इंडिया अच्छा कर रही थी, कोहली के रन्स भी बन रहे थे पर कोई शतक नहीं आ रहा था। पूरा साल निकल गया बट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया था। ऐसा पहली बार हो रहा था पर कप्तानी में वो पूरा जोर लगा रहे थे। पर काफी टाइम हो गया था इंडिया को ICC ट्रॉफी को जीते हुए और दूसरी तरफ रोहित शर्मा 5 IPL ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिता चुके थे। मीडिया और पब्लिक ने रोहित शर्मा को अगला कप्तान बनाने की मांग की और इसी बीच विराट कोहली ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि
T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहे हैं। उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, वो पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे। कोहली अब T20 फॉर्मेट के कप्तान नहीं थे, इसी के बीच BCCI ने उनको ODI की कप्तानी से भी हटा दिया। अब रोहित शर्मा टीम इंडिया के T20 और ODI फॉर्मेट के कप्तान थे। विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। 3 साल होने लगे थे पर कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया था। बहुत से मीडिया वाले बोल रहे थे कि उनकी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती, शायद उनको आराम कर लेना चाहिए, अब वो थक रहे हैं, चूक रहे हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। लेकिन यहाँ विराट पे बात होती शुरू होगी कि फॉर्म में नहीं है, उनको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। पर टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा ने उनको बैक किया हुआ था। बिल्कुल यार, इतना मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम ही हैज गॉन थ्रू अ नर्वस फेज और ही स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट, ही हैज कम बैक स्ट्रॉन्गर। पर उन्हें क्या पता था कि अब ये इंसान आग लगाने वाला है। एशिया कप 2022 पहला ही मैच पाकिस्तान के सामने था। भारत ने पाकिस्तान को बिना किसी मुश्किल से हरा दिया था, उसमें कोहली ने अच्छा स्कोर किया था। पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे पर इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया फाइनल के लिए। टूर्नामेंट का आखिरी मैच इंडिया खेल रहा था अफगानिस्तान के सामने और विराट ने जड़ दिया शतक। विराट ने बनाए 122 रन सिर्फ 61 गेंदों में और ये 100 आया था 1020 दिनों के बाद। अब विराट का बल्ला फिर से बोलने लगा था, जैसे कि पुराना विराट वापस आ गया है। हर फॉर्मेट में विराट ने 100 लगा दिया पर अभी चेस मास्टर का आना बचा था। T20 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया का पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए स्कोर बना लिया था 159। इंडिया का टारगेट था 160। नसीम शाह की लाइन ओ लैन और हैरी स्ट्रॉफ की पेस के सामने इंडियन टॉप ऑर्डर ने घुटने टेक दिए थे। फिर हुई पार्टनरशिप विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने। इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 48 रन 18 बॉलों। विराट ने शाहीन को उस ओवर में 17 रन जड़े थे। हैरी स्ट्रॉफ के लास्ट ओवर बॉल पे 2 सिक्स लगा के विराट कोहली ने पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पे डाल दिया। लास्ट ओवर में विराट ने अपने नर्व्स को कंट्रोल करके इंडिया को मैच जिता दिया। जिस चेस मास्टर को दुनिया ने भुला दिया था वो लौट के आ गया। उसने फिर से प्रूव कर दिया था व्हाई ही इज द किंग।